प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार राजनीतिक दल जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। अभी चुनाव प्रचार वर्चुअल तरीके से हो रहा है। कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने रैलियों की जनसभाओं की इजाजत फिलहाल नहीं दी है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार डोर टू डोर कैंपेन 10 लोगों के साथ नेता कर सकते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव के प्रचार कुछ अलग तरीके से होते हुए नजर आएंगे। बात करें अगर यादव परिवार की, तो इस परिवार की दो बहुएं विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो वहीं चाचा भी पहले की तरह सक्रिय नजर नहीं आ रहे। डिंपल यादव और अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहुएं हैं। डिंपल मुलायम सिंह के बड़े बेटे अखिलेश यादव की पत्नी हैं, तो वहीं अपर्णा मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। अपर्णा यादव ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी और बीजेपी के लिए वो फिलहाल वोट मांग रही हैं। इन सबके बीच हैरान कर देने वाली बात ये है कि डिंपल यादव पूरी तरह से शांत हैं और अभी तक चुनाव प्रचार के लिए मैदान में नहीं आई हैं। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई, डिंपल यादव का उसमें नाम है, लेकिन डिंपल प्रचार के लिए फिलहाल नहीं उतरी हैं। वर्तमान में चुनाव प्रचार वर्चुअल तरीके से हो रहा है। डिंपल यादव ने अभी तक वर्चुअली भी कोई सभा या सम्मेलन को संबोधित नहीं किया है। अखिलेश लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता वर्चुअल तरीके से सभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन डिंपल यादव सम्मेलन या सभा को ना तो संबोधित कर रही हैं, ना ही सोशल मीडिया के जरिए अपनी पार्टी को लेकर कोई पोस्ट डाल रही हैं। डिंपल यादव ने ट्विटर पर आखिरी पोस्ट 22 दिसंबर 2021 को किया, जिसमें उन्होंने महज ये जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और आइसोलेशन में हैं। बीते 14 दिनों से डिंपल यादव ने इंस्टाग्राम पर भी कोई पोस्ट नहीं किया, फेसबुक पर बीते 2 महीने से कोई पोस्ट नहीं किया। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में डिंपल ने कई सभाएं की, समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगे, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से गायब हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।